खिसक गई है माता जी. ऐसा कुछ लग तो रहा है कि क्या बोलते हैं कि माता जी पहले जैसे माता जी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ग्रेसफुल थी. अभी तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है सबको हाथ से छूट रहा है, गुस्सा हो जाती हैं, चीज़ें फेंक रही हैं, लेकिन वो जज्बा कायम है कि अपने घर को छोड़कर नहीं जाएंगी. तो किस बात से अपने घर से इतना लगाव हो गया है उन्हें दोबारा, और इतनी बुरी तरह से कि वो बाकी के घर के लोगों को भी बाहर निकालने में संकोच नहीं कर रही हैं, इस बात को लेकर तो मैं भी परेशान हूँ. जो हमें पता पड़ी है सूत्रों के अनुसार कि आपके घर में एक नहीं दो नहीं तीन नहीं सिर्फ चार चार आत्माएं हैं, भूत आने वाले हैं. दो बातें, एक तो मेरे घर में वैसे ही बड़े लोग हैं, मेरी परिवार काफ़ी भरा पूरा है, हमें और लोगों की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और माता जी के सामने कोई भी दिखाई देता है, हम उन्हें हाथ जोड़ कर कहते हैं आइए भारद्वाज हाउस में आपका स्वागत है. छोटी चकोर भी अभी यहाँ पे भूत बन के आने वाली है. ये भी हमें चकोर कौन है? क्योंकि मैं तो टीवी देखती नहीं, माता जी टीवी देखती नहीं. और अगर ऐसा है, और जैसे हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे परिवार में सभी का स्वागत है, आज तक जितने भी एक्टर्स या कैरेक्टर्स आए हैं हमारे यहाँ पर हमारे परिवार से जुड़ने के लिए, आप कह सकते हैं कि हमेशा ही हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं, दिल से मन से आत्मा से जुड़ जाते हैं. तो मैं कहूँगी कि ज़रूर आइए, बड़े बूढ़े नौजवान छोटे बच्चे सबका स्वागत है. हमारा दिल बहुत बड़ा है.